Ask Roop Singh Rajpuri to join the live broadcast. If they accept, they can join on camera or with audio only. You set the audience to public. Anyone can see your live. जी बिल्कुल कर रखा है जी हमने. अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कहते हैं नमस्कार. अभी रूप सिंह जी राजपुरी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं. कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी ज्वाइन हो नहीं पा रहे हैं. कोई नेटवर्क में या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कनेक्शन फेल हो रहा है उनकी तरफ से. कई बार हमने कोशिश कर ली है. सेंटू लोथिया कहते हैं अब आवाज़ सही आ रही है, धन्यवाद. अभी रूप सिंह जी जुड़ जाएं तो दोनों की आवाज़ सही हो जाएगी. हाँ जी रूप सिंह जी, ऊपर शो तो हो रहा है, ज्वाइन का आप बटन दबाइए ताकि जुड़ जाएं. मुश्ताक खान जी पधारे हैं, नमस्कार कहते हैं, आपका अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी दूर से आप इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं. हाँ जी रूप सिंह जी, अप्रूवल भी दे दी, ऐड भी कर दिया आपको. राम नायक कह रहे हैं आवाज बहुत कम है, अभी जुड़ नहीं पाए हैं सर इसलिए पूरी आवाज नहीं आ पा रही. भूपेंद्र सिंह रसनपुरिया गुड इवनिंग कह रहे हैं. दोनों जुड़ जाएं तो फिर आवाज सही हो जाएगी दोनों. हाँ जी हमारी तरफ से तो अभी कोई यहाँ दिक्कत नज़र नहीं आ रही. और जितनी बार मैंने रूप सिंह जी को ऐड किया है तो उनका कनेक्शन फेल बता रहा है. ये देखिए फिर आ गया कनेक्शन फेल्ड. तो रूप सिंह जी से निवेदन है कि एक बार कनेक्शन चेक कर लें. मैं बार बार आपको ऐड कर रहा हूँ. तरफ से मैसेज आया है कि गेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप रूप सिंह जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर लें. आवाज़ में व्यवधान आ रहा है, बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही है. आदरणीय राम कुमार जी कह रहे हैं जुड़ जाएं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी जुड़ नहीं पा रहे ना. अब मैंने आपको रूप सिंह जी भेज दिया है लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं. आपकी तरफ से कनेक्शन फेल दिखा रहा है. इनवाइट मैंने आपको फिर से कर दिया है. फिर से इनवाइट कर दिया है आपको. ज्वाइन कीजिए, मैंने इनवाइट कर दिया रूप सिंह जी आपको. जी
सिंह जी इधर से तो आप इनवाइटेड हैं। हाँ तो एक बार आप रीस्टार्ट कर ले फोन को, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। आप ज्वाइन कीजिए जी। जी हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। आज काफी 15-20 बहुत माथापोड़ी करनी पड़ी जी और मैं बड़ा महसूस कर रहा था कि हमारे मित्रों को इसमें कोफत हो रही है और मुझे बिल्कुल भी बड़ी हो रही थी। बड़ा अटपटा लग रहा था कि आप बार बार कोशिश कर रहे थे और मैं इधर से कोई 15 बार रिक्वेस्ट मेरी तरफ से दे चुका था। खैर, बिना जी समय गमाए हुए अपने बात करें। पहला सवाल, बिल्कुल 15 मिनट निकल गए तो हाँ जी कोई बात पहले नहीं सवाल की तरफ आते हैं। सभी से माफी चाहते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए, और श्याम मिड्डा संगरिया का पहला सवाल है, सोशल मीडिया के आने से नहीं लगता क्या कि हमारी आत्मिक शांति भंग हो गई? देखो जी, जब सोशल मीडिया नहीं था तब तो ऐसी हमारी शांति भंग नहीं होती थी। आदि मानव था उस टाइम, कौन सा उसकी शांति भंग नहीं होती थी। फिर थोड़ा सा अच्छा हो गया। ऋषि मुनि है, बाहर जाकर के पहाड़ों में जंगलों में पूजा पाठ करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। उनकी शांति भंग करने के लिए भी सुना है कि अप्सराएं आ जाती थी। तो भंग कहानी ही होता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अपने आप को भंग होने दे रहे हैं या अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा। और अब देखिए, आप दुनिया दो विश्व युद्धों से 2 साल हो चुकी है, उस टाइम भी तो शांति भंग हुई है। तो उस टाइम क्या है कि जो बम बना के रखे थे वो ऐसे चला के देखने थे क्या, भी ये चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। तो शांति भंग होती रहती है, लेकिन अगर हम मजबूत रहें तो नहीं होगी। राम कुमार रेवाड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं सदा की तरह हम दोनों को। पूर्ण राम जी लोना साहब कह रहे हैं कि आप सही आवाज आ रही है, स्वागत है जी आपका। शिबू करण मेघवाल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आवाज आ रही है, जी और राम कुमार जी कह रहे थे आ रहा था व्यवधान आवाज में, लेकिन आप सही है आदरणीय, स्वागत है जी आपका। और पीछे कार्यक्रम में काफी सारे मित्रों की कमेंट्स निकल गई और अपने उनको मैं कम से कम मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। वे सभी अभी अब लिखेंगे। श्रवण कुमार दादरवाल बागरावला चक्र अवसर से हमें देख रहे हैं। ताराचंद जी नायक साहब दणिया सर से कह रहे हैं सेल बैठ गया के, नहीं जी सेल को नहीं बैठा, बस कोई वो इसमें हो जाता है जी व्यवधार नेट में। बलकार धनजू जी कह रहे हैं कि कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं किया गया है तो हटा दो, पता नहीं क्या किया जी मैंने, जैसा आपने कहा था कि रीस्टार्ट करें तो मैंने रीस्टार्ट किया, हो सकता है उसमें कोई प्रोग्राम थी, दोबारा चलते हैं। गुरदीप सोमना जी आ गए हैं नमस्कार कह रहे हैं। शिव कुमकर्ण मेघवाल जी ओके साउंड बता दिया आपने, और सुरजीत सिंह राहुल जी गुड डे बिग ब्रदर जी आपको भी जी हमारी तरफ से सेम टू यू। लक्ष्मी नारायण नमस्कार जी गुरु जी, और मदन सिंह सुड्डा साहब हमें देख रहे हैं नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी हमारे तरफ से नमस्कार जी सुड्डा जी। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी दोनों की जोड़ी बालाजी महाराज बनाए रखे नमस्कार जी, आप पर भी बालाजी की कृपा रहे जी। शंकर गिरी जी देख रहे हैं, शंकर गिरी जी अभी आपके सवाल आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहना। बलकीत सिंह डोगर हमें देख रहे हैं, बलदेव पुरोहित जी हमें नमस्कार कह रहे हैं,
और हमारे साथ ओम पारिक जी भी जुड़ गए हैं, राम राम करें दोनों ने, आपको भी हमारी तरफ से राम राम जी। भरतलाल जी नमस्कार करें, अंग्रेज सिंह जी नवपाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण मील जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, गुरप्रीत इंसा जी भी हमें राम राम करें। आप सब मित्रों को और जिनके नाम पहले निकल गए हमारे हाथ नहीं आए, तो उन सब से हम क्षमा चाहते हैं जी। तो जी शंकर गिरी जी का नाम मैंने लिया था अभी, और शंकर गिरी जी आपका सवाल आया है कि चांद को भांजे की माँ ने सबसे पहले मामा कहा था, तो पुलिस वालों को सबसे पहले मामा किसने कहा? ऐसा है भाई, ये दोनों सवालों का जवाब एक ही है। जो पहले सवाल का जवाब है ना, वो ही जवाब आपके इस सवाल का भी वही जवाब है। अब आप खुद ब खुद समझ लीजिए। गुरप्रीत इंसा जी, अरविंद रोज जी, जसकरण सिंह संधु जी, सभी साथी हमें देख रहे हैं। राम कुमार स्याग सरपंच, राम राम गुरु जी कह रहे हैं जी, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। और ओम पारिक जी ने सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया है। एल आर पारिक जी जय श्री राम कह रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राम। पवन सोनी जी सूरतगढ़ से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो खींचने पर छोटी होती है? ऐसा है जी, जो खींचने से छोटी होती है उसका नाम मैं बता देता हूं आपको। वो तो खींच मेरी फोटो, वाह साहब, हाँ वो छोटी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रकाश गोदारा जी डीडवाणा से, ऐसी कौन सी चीज है जो सुखाने के बाद भी गीली होती है? अच्छी परीक्षा है गुरु जी आज तो। हाँ, पहेलियां आ रही हैं सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो सुखाने से भी गीली होती है, आप घी का डब्बा बाहर रख दीजिए धूप में, अच्छी धूप चल रही है, सुखा लो उसको। हाँ नहीं सूखेगा, पिघल जाएगा, गीला और हो जाएगा। हमारे अभिन्न मित्र बलविंद्र मनोज जी वेलकम लिख रहे हैं, स्वागत है जी आपका भी। आत्मा सिंह राजपूत जी राधे राधे लिख रहे हैं, आपको भी राधे राधे। राकेश प्रणामी जी नमस्कार भाई साहब कह रहे हैं, और सिद्धू रानी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। और ब्रिजलाल कुकणा जी, गुरप्रीत इंसान जी, संदीप शर्मा जी, धर्मपाल शाक्य जी, इन सब ने सवाल भी पूछे हैं, नमस्कार भी हमें कहा है। इन्हीं का है जी, प्रकाश गोदारा जी का, नुआयो दुआयो थेपड़ के सुनायो, क्या है पहली पूछी है जी इन्होंने। वैसे तो हम निवेदन करते हैं कि पहेलियों का कार्यक्रम नहीं है, अटपटे सवाल चटपटे जवाब का कार्यक्रम है। पहेलियों का मूड या हिसाब किताब वो भिन्न होता है, उसके अंदर तो ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। अटपटे सवाल का चटपटा जवाब देने में बहुत गुंजाइश होती है, एक ही सवाल के बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं, पहेलियों के नहीं होते हैं। तो जो आपने पूछा है वैसे बता ही देते हैं, इसमें दो चीजें हैं जी, दो उत्तर हैं इसके। एक तो उत्तर वो है जो आप जानते हैं, गोबर को ताप दिया है कि नहीं, उसको गीला गुला किया, गोल गोल किया, थपेड़ के और सुना दिया, ठीक है जी। और हाँ, और दीवार से चिपका दे, चाहे कहीं भी इधर उधर कहीं भी थाप दिया। और दूसरा है आप खुद, आपकी मम्मी आपको नहलाती थी, धुलाती थी, फिर थाप के सुला देती थी। दो उत्तर हैं, आपको दोनों में से जो पसंद है वो रख लो। बिल्कुल जी, दोनों अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलोक चंद सेन साहब हमें देख रहे हैं जी, रेवाड़ी से, हरियाणा से, बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है।
भाई साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत। पूर्ण जी आ रहे हैं, राम राम कह रहे हैं जी आपको भी। जी नमस्कार हमारी तरफ से। राम कुमार डालिया नमस्कार गुरुदेव, आप मैया वाली के नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं, चित्रकला के अध्यापक हैं, आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में। प्रेम भटनेरी जी ग्रेट भाई जी ये दिख रहे हैं, स्वागत है जी भटनेरी साहब आपका। पान सिंह विर्क साहब हमें देख रहे हैं जी राणी से, आपकी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर राणी है और वहां से हमें देख रहे हैं। पान सिंह जी हमारा ये कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को रात के 8 बजे शुरू होता है और जैसे जैसे श्रोता जुड़े रहते हैं 9 बजे 9:15 बजे तक चलता रहता है, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत। और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। बंसीलाल टाक आपने सवाल पूछ लिया, ओम पारिक जी का एक सवाल और आ गया, गुरदीप सोबना जी ने भी सवाल पूछ लिया है और मोहन सिंह जी राजपुरोहित नंदेली से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि मील नमस्कार कह रहे हैं और बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया, गुरप्रीत इंसा जी का एक सवाल और आ गया और बसंत दद्रवाल जी का भी एक सवाल नमस्कार आया है। राय सिंह लोथिया जी भोमपुरा से हमें नमस्कार कह रहे हैं। शैलेंद्र चौहान जी, कुलविंदर सिंह जी, ओम प्रकाश टाक जी सभी मित्र हमें नमस्कार करें। अगला सवाल है जी धर्मपाल शाक्य जी का सूरतगढ़ से, हाथी चींटी से क्यों डरता है जी? भाई सीधी सी बात है कि जो छोटी सी चीज होती है ना, अब आपके बालों में अगर चींटी घुस जाए तो वो पकड़ में तो आएगी नहीं और परेशान खूब करेगी आपको, है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हाथी की सूंड के अंदर कोई चींटी घुस गई तो वो उसको बेचारा निकाल तो सकता नहीं है, क्योंकि सूंड तो बहुत ही पतली, उसमें उसका हाथ जाएगा ही नहीं और नाक साफ करने के लिए भी उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो अंदर अंदर जब घुसती रहती है तो बहुत परेशान होता है, तड़पता है बेचारा। तो इसलिए क्या है कि उससे डरता है, कोई मारपीट से थोड़े आदमी डरता है, गुदगुदी से डरता है। DWD से राजेंद्र सुथार जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार। लक्ष्मण भाटी भारतीय गज सिंहपुर से लिखते हैं कि एक के फली फोड़ दी, ये कहावत कैसे और कब बनी? ये प्रोग्राम जो पिछला हुआ था ना उसमें बनी थी। अच्छा हाँ, उसमें आपने कोई फड़ी नहीं फोड़ी थी, तो इल्जाम हर आदमी के ऊपर लगा दिया, इतनी सी कहानी है हमारी। शैलेंद्र चौहान जी सरदारपुरा बिक्का से हमें देख रहे हैं, नमस्कार है जी शैलेंद्र जी। बलकार दंजू जी को सवाल का उत्तर अच्छा लगा, दीप सोवना जी को भी चींटी वाले सवाल का जो जवाब था वो बहुत बढ़िया लगा। खुदराम जी राम राम कह रहे हैं और ओम बारिक जी का एक और सवाल। आयतान कमलेश नमस्कार कह रहे हैं, रूपलाल शाक्य जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रिंसिपल साहिबा साधु शहर की गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं आप और गंगानगर विराजते हैं, अक्सर हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। काम के समय तेरी माँ मर जाती है, बेचारी माँ ही क्यों मरती है, बाप क्यों नहीं मरता? बाप इसलिए नहीं मरता क्योंकि बाप ने दूध नहीं पिलाया होता तो मरेगा कैसे? माँ के साथ ज्यादा जुड़ा होता है ना जी। हाँ, माँ मर जाती है ना जी, उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ मर गई, बहुत मुश्किल होती है जी, इसीलिए कहते हैं शायद कहते हैं किन तथ्यों पर बनी है ना। राजू गोदारा जी और कुलविंदर सिंह जी इन्होंने भी एक सवाल पूछा है, अंग्रेजी में लिखा है। राम कुमार खाती जी, लक्ष्मण भाटी जी, लुड़ लुड़ प्रणाम दोनों महानुभाव है, वाह साहब आपने भी हमारी तरफ से भी सही। शीतल धुड़िया जी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं कि
घड़ी में 12 ही बजते हैं, 13 क्यों नहीं बजते? ऐसा है, 12 तो दिखाई देते हैं, 13वां साइड में रखा होता है, वो मौके पर सिर में पड़ता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता, होते तो 13 ही है। सही है, धन्यवाद। करुणेंद्र सिंह जी का प्रश्न मैंने पढ़ लिया, मुझे द्वारा वहां जाना पड़ा और बिल्कुल अटपटा है, और इसका चटपटा उत्तर अगले हफ्ते में मिलेगा, आप जरूर देखना जी। बृहस्पतिवार 8 बजे। और इन्हीं का जी शीतल दुड़िया जी का अगला सवाल, ऊंट किस करवट बैठता है? अच्छा जी, हाँ ऊंट भाई शीतल जी किसी करवट में ही बैठता। अच्छा अच्छा हाँ, वो ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, ना वो बाईं करवट बैठता है हमारी तरह से, ना दाईं करवट बैठता है। तो आपके सवाल का जवाब तो इतना ही है, लेकिन फिर थोड़ा सा बता देते हैं कि वो बैठता कैसे है। वो दो बार बैठता है, आगे से बैठता है, पीछे से बैठता है, बाएं दाएं नहीं बैठता, इसलिए पूछते हैं कि ऊंट किसी करवट नहीं बैठता। पता नहीं क्यों ये कहावत बन गई, ऊंट किस करवट बैठेगा, करवट आगे और पीछे बैठने को ही करवट मान ली। ऊंट हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन अब तो ऊंट गिनती के रह गए, कुछ हजार है सारे राजस्थान में, जबकि उनकी गिनती लाखों में होती थी। बहरहाल ओम पारिक जी ने तस्दीक कर दी, क्योंकि समझदार लोग जो होते हैं वो हथवात अपनी बात रखते हैं, टापर की मां ना मरे और बुढ़े की लुगाई ना मरे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, बुढ़ापे में जीवन साथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बच्चों को अपनी माँ की ज्यादा जरूरत होती है, माँ ही पालती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात। शैलेंद्र चौहान जी का सवाल आ गया, और श्रवण कुमार दादरवाल साहब का एक सवाल आ गया है, नोट हो गया, आयतन कमलेश जी का सवाल आ गया, लक्ष्मण भाटी जी का भी सवाल आ गया, एस के इंडिया हमें देख रहे हैं, सुवरीत शर्मा हमें देख रहे हैं बोलावाड़ी से, स्वागत है जी आप सबका जी। ओम पारिक जी का सवाल आ गया जी, ओम पारिक जी हमारे कार्यक्रम की शान है, हमारे कार्यक्रम में लगभग जितने भी लोग लिखते हैं उन सब में उम्र दराज है, सीनियर है, अग्रज है हमारे, तो ये लिखते हैं कि गणों बोलो में लाभ है या थोड़ा बोलने में लाभ है, एक कहे के बोले भी बेरिया भी कह, अरे एक कहे के नूरा जमालिया सुन भाई अली, बोलना न चलना चुप्पी बली, तो ये सब ऐसा क्यों कहते हैं? दोनों बातें उल्टी होगी, हाँ है ना, एक जगह तो ये भी है कि जो बोलता है उसके बेर भी बिक जाते हैं, कुछ भी बिक जाता है उसका, और एक जगह ये भी कहावत कही गई है कि चुप भली, ठीक है ना। तो ये क्यों है? ऐसा है मेरे भाई, बड़े भाई, ब्रादर श्री, मोर्चे के ऊपर युद्ध चल रहा हो, वहां अगर आप बोरिए बेचने के लिए आवाज दगाने लग गए तो क्या होगा? फिशुम फिशुम हो जाएगी, वहां तो सांस की आवाज निकालना भी मौत की आवाज देने के बराबर है। अगर बाजार में है तो आप जरूर जोर जोर से होका लगाइए, बेर बेचिए या कोई जो भी सामान बेचना है बेचिए। तो ये समय और उसकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा जी, कई बार जरूरत होती है तब हम चुप रह जाएं, वो भी घातक है, और बिना बात बोले बिना मतलब के हम सलाह दें वो घातक होती है। शब्द समझ कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औखत बने एक करे है गाव। तो एक तो दवाई बन जाता है शब्द बोले, मौके पर बोल दिया, ढाढ़स बंधा दिया किसी दुखी को, वो तो दवाई की तरह से काम करेगा, और एक बल्कि पर और वो गेंदे तेल वो काम करते हैं कई शब्द।
एसके इंडिया सऊदी अरब से, सऊदी अरब से एसके इंडिया, बिल्कुल आपने वहां जाकर के जो नाम रखा है एसके इंडिया, बड़ा अच्छा लगा जी। और शेर सिंह यादव साहब का भी सवाल आ गया है, सबरीश शर्मा राम राम कह रहे हैं, बबलू बिश्नोई नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और विष्णु शर्मा जी जय हो देखते हैं, कुलदीप सोवणा कमेडियन सब देखने वालों को नमस्कार कह रहे हैं जी। श्रवण बिरठ ये भी हमें एक कह रहे हैं कि मैं कभी आपका बहुत बड़ा फैन था, अब नहीं हो क्या जी? अरे मिट्टी की खुशबू सुनता था, तो आपने दो बात कर दी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं बिल्कुल समय सिर और स्थान देख करके ही बोलना प्रभावी होता है जी, बिल्कुल समझदार आदमी की तो बड़ी बात होती है जी। जी, मलकीत सिंह इकवा इकवा लिखा शायद, और अब पता नहीं आपने क्या लिखा है जी, कुत्ता जाता है, अभी पूरी बात पड़ेगी। अभी मन्यो भदौरिया साहब आ गए हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र, अब कभी सहपाठी हुआ करते थे किसी जमाने में, क्या शिक्षक प्रशिक्षण बात के संगरिया में, और ये भी रिटायर हो गया, मैं भी रिटायर हो गया, पोते नातियों में ये भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। हमारा जीवन की जो दूसरी पारी है, मैं ये नहीं कहता कि ढलती छाव है हमारी, नहीं जी, क्यों ढलती छाव है, अब तो 90-90 साल के बाद सोचेंगे कि बुढ़ा होना है कि नहीं होना। और ऐसे ही है। अभिमन्यु जी का है हिसाब किताब, और ऐसे ही मेरा है। अभिमन्यु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्यार भरी नमस्कार आपको। रूप राम जयपाल भी हमें नमस्कार कर रहे हैं, सद्दूर सिंह बराड़ साहब हमें देखने लग गए हैं, आपका स्वागत है जी सद्दूर सिंह जी, और रूपलाल शाक्य जी, और हंसराज भारद्वाज जी, सुभाष कालवा जी, विनोद कुमार मांडन जी, डूंगर राम टाक साहब हमें देख रहे हैं, बिट्टू जी बिट्टू देख रहे हैं, और दयाराम सारण साहब हमें देख रहे हैं, इन सब का बहुत बहुत स्वागत है। दलवीर सिंह धीरू जी ये हमें देखना शुरू कर दिए। जो इस पर हमारा नगेंद्र कौर जी बहन जी का सवाल एक और आ हाँ गया है, हाँ जो कह रहे हमारे हैं पुराने दोस्त होते हैं ना, हाँ जी जैसे आपके मित्र सामने आए, आपको पुरानी बातें याद आ गई, जो पुराने हमारे मित्र हैं ना, वो कभी हाँ जी हमें नहीं बूढ़ा होने ही नहीं देते। देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात चल पड़ी। वैसे तो आज 15 मिनट लेट था मामला, कि भाई लोग कहते हैं कि जी जिंदगी रही तो मिलेंगे, जीते रहे तो फिर को भी मिलेंगे, और हम लोग वो हैं जो कहते हैं कि मिलोगे तभी तो जिएंगे, हाँ, बिल्कुल 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 है वो मित्रों के लिए है, यार बिल्कुल, मिलते रहोगे तभी तो जिएंगे, आपके मिलना ही तो हमारी एनर्जी है जी, वो खींच के बचपन में लेके चले जाते हैं, बूढ़ा होने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको हम तू कह के बुलाते हैं ना जी, चाहे हम बुजुर्ग हो गए बड़े हो गए, जिनको हम हो रहे यार तू यार, जिनको यार कहने को मन करता रहता है ना जी, वो बूढ़ा नहीं होने देंगे। तो नहीं देता, चलो नहीं। अब जिन यारों की बात करी तो एक पुराने शिष्य भी आ गए हैं, रविकांत साधु शहर में बिजली विभाग में सेवा करते हैं संगरिया में, तो ये नमस्कार कह रहे हैं, जी आशीर्वाद है अभी रविकांत आपको। वीरू नैन जी नमस्कार कह रहे हैं डापा से, स्वागत है जी वीरू जी आपका। और शैलेंद्र चौहान जी मेरे से पूछ रहे हैं आप किस विभाग में और कहाँ पर पदस्थ थे, मैं शिक्षा विभाग में और ज्यादातर रावसर एक ही स्कूल में 25 साल रहा जी, मैं रावसर के सीनियर स्कूल में, और अब मैं यहाँ रिटायरमेंट का आनंद ले रहा हूँ। पूर्ण राम जी लोना साहब राम राम कह रहे हैं, और अमीलाल श्याग की पॉडकास्ट से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, कुलविंदर सिंह जी को हमारे प्रोग्राम में हमारी जो बातें हैं अच्छी लगी हैं, म्यूजिक के साथ आप बता रहे हैं। और रूप राम जयपाल जी और जग्गा गहलोत जी ये हमें सत श्री अकाल नमस्कार कह रहे हैं। जी नगेंद्र कौर जी का सवाल आया है जी, पंजाबी में कहावत है और इन्होंने पंजाबी में ही लिखा, आगे शौकीन पत्तों का, शौकीन जैतो या मलोट का क्यों नहीं? क्योंकि अगर वहां का कोई राइटर होता, गाना लिखने वाला, तो जरूर हाँ मोगा का नाम लिखता है ना, वहां का था नहीं,
और जब कोई लिखेगा तो जरूर मोगा का और इसका भी नाम आ जाएगा, चिंता काहे की है, क्योंकि ये एक बड़ा पहले रिवाज चला था भाई, किसी न किसी गाने में किसी न किसी शहर का नाम जरूर आना चाहिए, और उसके पीछे रोचक हिस्ट्रियां हुआ करती थी जो हम सुना करते थे। अब तो लंबी कहानी बन जाएगी। तो बहुत चलता था वो गाना, हमारे शहर का नाम आ गया, हमारे शहर का नाम आ गया, है ना। तो ये एक रुचि बढ़ाने के लिए भी था, कोई आप लिख दीजिए मोगा शब्द जोड़ करके, मोगे के ऊपर गाना लिख दीजिए, किसी भी शहर का लिखिए चाहे, चलेगा, खूब चलेगा, धुआंधार चलेगा। राजू राम बिजारणिया बहुत बड़े साहित्यकार है, राजस्थानी भाषा के युवा हैं, और इन्होंने लंबी कविता यहाँ लिख करके भेज दी। माफी चाहेंगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि 15-16 मिनट हमारे पहले निकल गए थे। वैसे आपकी कविता जो है ना बड़ी वो अच्छी है और यहाँ बोलने वाली भी है। मैं दो लाइन बोल देता हूँ। हरी खेजड़ी जाल राख जे, ऊंट गरामत वाल राख जे, क्योंकि ऊंट की बात आई थी इसलिए इन्होंने वो लंबी कविता लिख दी। रीत नीत री अपनी धरती, घर चूल्हे री जाल राख जे। तो आगे काफी लंबी कविता है इनकी। राजू राम बिजारणिया साहब आपका स्वागत है, आप लूणकर्ण सर में विराजते हैं अभी, कुरजाम पर इन्होंने बहुत शोध करके एक संग्रह जो है वो लिखा है, छापा है जी। शेर सिंह यादव जी राम राम कह रहे हैं, और रवि कांत कह रहे हैं गुरु जी भूप सिंह के किरदार जो है ना बहुत ही अच्छा लगा, वो खैली सारण के साथ मेरा एक नाटक था, वीडियो आया और वो इनको अच्छा लगा, धन्यवाद भाई। महेंद्र सारस्वत फुले जी अर्जुन सर नमस्ते कह रहे हैं, अभी जुड़ गए हैं आप, हाजिरी लगी है जी आपकी, पहले भी आपने जो पहले हमने काट के द्वारा किया था उसमें भी आप आ लिए थे, फिर बीच में किसी और काम लग गए होंगे। हरलाल जी थोरी XRI देख रहे हैं हमें, स्वागत है जी आपका। राकेश नौकवाल जी, रजी राम लुधियान जी, और ओम पारिक जी ने भी एक सवाल और भेज दिया। पीजे गुरमीत दीमन जी और बलराम आचार्य जी, जसवंत सिंह निर्वाणा से हमें देख रहे हैं जी, जी स्वागत है जी आपका। विनोद करवाल जी नमस्कार कर रहे हैं, डॉक्टर विनोद करवाल हमारे शहर के नंबर वन BDS डॉक्टर हैं और हमारे बड़े ही दिल के करीब रहने वाले, रोजाना का मिलना होता है, स्वागत है जी डॉक्टर साहब आपका। लाल चंद छिंपा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। शैलेंद्र चौहान कह रहे हैं विनोद चोपड़ा भी देख रहे हैं, स्वागत है जी आप दोनों का जी जी। और महेंद्र सारस्वत फुले जी ने एक सवाल पूछ लिया है, ये बारिश की बात करते हैं तो बारिश बीकानेर जिले में आपके इस एरिया में नहीं हुई, बीकानेर जिले में कहीं ना कहीं कल बरसात हुई है, और ये सुखद समाचार होता है क्योंकि हमारे इधर तो आग लग रही है पूरी, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, सारी रात बढ़त रही रात, और अखबार में पढ़ा कि भाई धौलपुर साइड में, उदयपुर तो वैसे भी ठंडा है, बाड़मेर में बरसात हुई, बाड़मेर के चोटन में बरसात हुई, तो ये बड़ा अच्छा लगा। चलो भाई हमारे ना हो लेकिन वहां तो जरूर होनी चाहिए जी। जी कुमार मनोज पी मिर्जा, इसमें कई नाम आ गए, अंग्रेजी भी आ गई, उर्दू भी आ गया, हिंदी भी आ गई, नमस्ते कह रहे हैं जी, नमस्ते जी आपको। रमेश कुमार कल्याण जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। शिशपाल सुमन डुंडाड़ा पूछते हैं कैसे हो आप, और ये हम पूछते हैं जी आप कैसे, हम तो सही है। रामाकृष्ण जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी, और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी लिखते हैं कि बोलियां तो बहुत हैं पिंडा ते शहरां दे, पिंडा विच पिंड सुनी दा, पिंड सुनी दा मोगा, इस तरह से बोली बोली शुरू, बोली एक नृत्य का और गायन का एक बहुत अच्छा विधा होती है गायन की, और बोलियां आजकल लुप्त होता जा रहा है मामला सारा बहन जी क्या बताए, और बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है बोलियां, और फिर शहरों के नाम गाँव के नाम वो नार सुनी वो सुनी वो सुनता, इस तरह से चलता है मामला। तो आपने बड़ी अच्छी ये बात जो है संस्कृति से जुड़ी हुई जब बात आती है ना जी, तो मेरे तो जैसे मैं बागड़ी में कहूँ भीसा गलता है, बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद से भर जाता है मुंह आदमी का कि यार वो पुरानी बात आ गई, बड़ा अच्छा लगता है। श्यामलाल हुड्डा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं खोड्डा से। मलकीत सिंह इकवान साहब
अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो नमस्ते कह रहे हैं, विनोद करवाल साहब जी ने थैंक्स लिख दिया है जी, आपको भी जी धन्यवाद कि आपने हमारे प्रोग्राम में अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। गुरुसेवक कांटीवाल गढ़साना से नमस्ते कह रहे हैं, और इस प्रकार से दुलचंद गरुआ जी भी जुड़ गए हैं, सबरीत शर्मा जुड़े हैं, और मैं हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी भी सवाल पूछते हैं जी, और भरत कुहार जी साहब धारो वो बोरियो मास्टर जी और चुटकुलो का धन्यवाद जी, आपको पसंद आता है, आज भी पसंद आता है वो मेरी 45-50 साल पुरानी रचना। लक्ष्मी नारायण लीलर जी, जीत बाबू जी, धनराज लोहिया जी भी आ गए, नमस्ते जी आपको। अगला सवाल भी बहन जी का ही है जी, नरेंद्र को और प्रिंसिपल जी का, ये कहते हैं कि मैंने बहुत बार सुना है लोग कहते हैं कि मैं दूंगा तुझे उसका पता, तो कौन सा पता होता है? हाँ, सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार सुना है लोग कहते हैं कि मैं दूंगा उसको पता। जहाँ एक दफ्तर होता है, जहाँ जो कर्मचारी काम करने वाले है ना, वो खाकी वर्दी पहनते हैं, डंडा भी रखते हैं, बेल्ट भी पहन के रखते हैं, और यहाँ मोड़े चार तूर भी लगे होते हैं, साइडों में लाल और नीले रंग की पट्टियां भी लगी होती हैं, और बाहर एक बोर्ड लगा होता है ऐसा तिरछी लाइन में दो भाग में, एक साइड नीली होती है एक साइड लाल होती है। तो किसी ने मेरे से पूछ लिया था कि भाई ये जो इनका बोर्ड है ये लाल और नीले रंग का ऐसा क्यों है तिरछा, सीधे ही दो भाग में कर देते ना, ऊपर लाल नीला नीचे कर देते, तिरछा करके क्यों कराया है उन्होंने? मैं कहा भैया सीधे सीधे कोई नहीं हाँ करता, थोड़ा तिरछा करना पड़ता है, थोड़ा रंग भरना पड़ता है, लाल नीले करने पड़ते हैं, तब जाकर के आदमी सच उगलता है। उस जगह का पता बताने की बात कर रहे हैं आपके सवाल में। साहब राम सारण साहब राम राम कह रहे हैं, जुड़ गए हमारे साथ। रमेश कुमार जी कल्याण साहब, छाछ दही वाला जो मसला था वो सुलट गया बहुत पहले, अब वो गुरु जी कोई भी नहीं है जो छाछ बच्चों से मंगाए, अब तो पानी भी अपने घर से लेके जाते हैं जी कई जगह। तो रतन बठला जी नमस्ते कह रहे हैं, सुखजीत बानी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, और सुखजीत पुलर साहब सत श्री अकाल भाई जी कह रहे हैं, मोहन लाल जी राम राम कह रहे हैं, और गुरदीप सोहना जी को ये पते वाला जो जवाब है ना जी ये ज्यादा अच्छा लगा। बलकार धनजू जी अनूपगढ़ से चकचौंती हेड से आप पूछते हैं जी, डॉक्टर भगवान का रूप है तो रुपए पैसे किसका रूप है? रुपए पैसे डॉक्टर तक पहुंचने के लिए जो टिकट का खर्चा है ना, हाँ वो है। सही है जी। संदीप कुमार जी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से पंजाब से, और इन्होंने भी बोरिए को याद कर रखा है जी मेरी उस कविता को, धन्यवाद संदीप भाई। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी इन्होंने एक सवाल और पूछा है, नोट कर लेंगे अगली बार जरूर उसका उत्तर देंगे जी। और सुखजीत बनी जी कह रहे हैं जी सिरा जवाब देता है जी, वाह जी शुक्रिया जी। धनपाल जाखड़ साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं, विनोद कुमार बारूपाल जी भी हमें देख रहे हैं, डॉक्टर अजय सरस्वत जी अनूपगढ़ से देख रहे हैं प्रोग्राम को, और पूछ रहे हैं कि दाल में काला ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता जी? डॉक्टर साहब एक दिन आप कष्ट कीजिए दाल बनाने का, खुद अपने हाथों से बनाइए, उसमें सफेद रंग का नमक भी हो डालना पड़ेगा, पीले रंग की हल्दी भी डालनी पड़ेगी, लाल रंग की मिर्च भी डालनी पड़ेगी, हरे रंग की मिर्च भी डालनी पड़ेगी, सफेद रंग का प्याज भी डालना पड़ेगा, और मसाला भी भूरिया सा डालना पड़ेगा, कितने रंग हो जाएंगे उसके अंदर। अब इतने रंग अगर आपको भी काले नजर आते हैं
तो कृपा करके जब आप खाना खाने बैठे तो काला चश्मा उतार कर भोजन किया करें। हाँ, सही है जी, सही है। छगन जी धन्यवाद। जोशी हमें नमस्कार कह रहे हैं। छगन जी शिक्षक हैं और मेरे बहुत ही नजदीक रहते हैं और हमारा कार्यक्रम देखते रहते हैं। और मैं कहूंगा छगन जी, आप भी कमेंट में कोई ना कोई सवाल जरूर लिखा करें। जी समरित शर्मा जी को बहुत खुशी हो रही है, इमोजी उन्होंने ऐसी लगाई है। धर्मपाल जाखड़ जी को भी हमारी बात पसंद आई। जगवीर सिंह जी भी हाँ जी कह रहे हैं। हंसराज वर्मा जी विजयनगर से, पुरुष की मूंछों का क्या काम होता है? पुरुष की मूंछों का कई काम है जी। एक तो क्या है कि वो हाथों को व्यस्त रखती है, हाथों को बेला नहीं रहने देती। हाँ, कभी यूं कर लिया और कभी यूं कर लिया और कभी यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया, ये हो गया। हाथों को व्यस्त हाँ रखती है, एक हाथ थक गया तो दूसरा है ही, है कि नहीं। हाँ दूसरा ये है हाँ कि जी, हाँ बिल्कुल चेहरे से पहचान लें, एक पहचान स्त्री और पुरुष की हो गई, है कि नहीं। तो इतनी पहचान बहुत है। और अगर पूछना चाहते हैं तो कई ऐसे महानुभव भी हैं जो अपनी मूंछों पर नींबू रख लेते हैं, दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो मूंछें रखने के भी काम आती है। और फिर नाई तो है ही, वो ठीक कई ठाक तो कहते खरबूजा रख कटिंग लेंगे। कटिंग करेगा तो उसके भी 4 पैसे बन जाएंगे बेचारे के। बिल्कुल, काफी लंबी हमारे जैसलमेर में हैं जिनकी दोनों तरफ मिलाकर के 12 फुट लंबी मूंछें हैं क्या और बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बहुत सारे अंग्रेज अंग्रेजनी आकर के उनकी मूंछ को पकड़ के खींचती हैं, देखती हैं कि ओरिजिनल है कि चिपकाई हुई है, और फिर वो साथ में फोटो खिंचवा के जाते हैं और बहुत सारे इनाम सुनाम दे के जाते हैं। जी अनिल बिश्नोई जी कह रहे हैं, प्रणाम सर आपको, काफी सालों बाद दर्शन हुए और मैं भी आपका शिष्य रह चुका हूँ। अनिल जी जरूर, मेरे नंबर तो आपके पास होंगे, बात करना कल। कुलदीप सोमना जी को दाल में काड़े वाला उत्तर बड़ा अच्छा लगा। धनराज धन्यवाद। जी पूछते हैं कि आपने पगड़ी का रंग किसने सिलेक्ट किया? तो आप तो जानते हैं, अपने तो अध्यापक रहे हैं जी, वो भी अब मैं रिटायर हूँ। मैं सिलेक्ट करने के लिए कितने के नौकर रखूंगा, कोई और कोई किसको रखूंगा, मैं क्या तो खुद ही अपने काम सारे में खुद ही करता हूँ सर। बात बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने पंजाबी में लिख करके माँ और सास के जो संबंध होते हैं ना जी, अपने साथ, तो वो इन्होंने एक दुखड़ा रोया है जो आमतौर पर सब तो नहीं मैं कह है। सकता, लेकिन ये सुनना तो मिलता है, ये सवाल बना दिया इन्होंने तो उस रिश्ते को, बड़ा अच्छा लगा। बहन जी, आने वाले एपिसोड्स में आपकी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रेम कुमार तोड़ साहब भी हमें मनी वाली से देख रहे हैं, ये भी हमारे बहुत ही नजदीकी मित्र हैं। डूंगर स्वामी जी हमें देख रहे हैं। प्रेम कुमार तोड़ जी ने नमस्कार लिख दिया जी। भाई जगशीर सिंह खालसा जी अक्सर जब भी इनको समय मिलता है हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, और ऐसे भजनबंदगी वाले, अल्लाह वाले, खुदा वाले, वाहेगुरु वाले लोग जब हमें देखते हैं ना जी, तो बड़ा बिल्कुल अच्छा लगता है। इंद्राज मंगलार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, जोड़ी नंबर 1 कह करके बढ़ा रहे हैं। ओम धन्यवाद। पारिक जी ने दाल की बात कर दी। बिट्टू बिट्टू भी हमें देख रहे हैं। जगदीश कुमार ढाबा से नमस्कार कह रहे हैं जी, आप भी शिक्षक हैं और मिलना नहीं हुआ आपसे। और छगन जोशी जी ने एक सवाल पूछ लिया है, जैसा आपने इसमें लिख दिया कि इंतजार करना पड़ेगा, तो बिल्कुल जी, हमारे सवाल के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा और आपको बहुत ही बढ़िया चटपटा उत्तर मिलेगा। दुलीचंद गरुआ जी भी हमें जय भीम कह रहे हैं। दया राम जाट भी हमारे दोनों की सादगी को सलाम करते हैं जी। देखो, कुछ कुछ मित्र होते हैं जो हमारी सादगी को पहचान जाते हैं, वैसे हम बहुत ही सादे आदमी हैं, जी बिल्कुल बलफेरनी है, जिसमें बलफेरनी हो ऊपर दिखावा और अंदर से कुछ और, वो लोग सादे नहीं होते। इनके अंदर बाहर सब मामला एक ही है, तो वो जी सादे ही होते हैं। बिल्कुल सावराम सारण जी, सुमन डुंडाड़ा, शिषपाल जी क्या हो कह रहे हैं जी, और डॉक्टर अजय सारसो जी
जगदीश परिहार जी सभी मित्र हमें बड़े अच्छे लगते हैं और वो हमें नमस्कार करें। गुरदीप सोगना जी का सबका यार सबका दोस्त ऐसा लिखा करते हैं, कॉमेडियन है, इनके छोटे छोटे 20-30 सेकंड के वीडियो आते हैं हंसी मजाक के और बहुत बात कह जाते हैं, वो छोटी सी बात में काफी लंबी चौड़ी बात होती है। सुभाष त्याग जी भी हमें देख रहे हैं। लो जी गुरदीप सोगना जी आपका सवाल आ गया है। सर जी अगर मैं आप दोनों का फोन चुरा लूं तो आप प्रोग्राम कैसे करोगे? अगर आप हम दोनों का फोन चुरा लोगे तो हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, ये पूछते हैं। बेटू जी दो फोन तो हमारे हो गए तेरे पास, एक तेरे वाला हो गया, एक रूप सिंह जी राजपुरी वाला हो गया और एक आपका हो गया, तीन हो गए ना, है ना। तीनों में से तीन फोन होने के बावजूद भी या घर में और भी कोई बेटे का या इधर उधर किसी रिश्तेदार का है वो भी ले लेना, 5-10 फोन कर लेना इकट्ठे, उन सबको मिला के भी हमारा ये प्रोग्राम देख के दिखा देना। कैसे देखते हैं सुभाष त्याग जी? हमें राम राम कह रहे हैं सुभाष त्याग जी। गुरदीप सोगना जी कह रहे हैं आज जी खाना खा लो जी, आज जी आप हमारे वो एक निवाला अलग रख देना जी, बर्गर पैमाना है एक अलग रख देना हमारे नाम का, तो हम समझ लेंगे हमारे तक पहुंच गया। बहन जी डॉक्टर नागेंद्र कौर जी को हमारी बातचीत जो है ना वो बड़ी पसंद आई और इन्होंने इमोजी भेजी रियल टॉक, धन्यवाद बहन जी। इंजीनियर भजन चारण जी नमस्कार करें दोनों महानुभावों को, और जगदीश भाटी जी इन्होंने भी सवाल पूछा है और जगदीश परिहार जी ने भी सवाल पूछ लिया, इंद्राज मंगला साहब ने भी एक लंबा सवाल पूछ लिया, सबके सवाल नोट हो रहे हैं और समय आने पर उत्तर दिया जाएगा। संतराम देव जी बाड़मेर से आप पूछते हैं कि फांसी से पूर्व फांसी लगने वाले की अंतिम इच्छा क्यों पूछी जाती है? ऐसा है कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जो चला गया वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाता, ये तो सब लोग मानते ही है ना, वो हमारे ऊपर है, हमारे रीति रिवाज के ऊपर है कि हम उसको कैसे रवाना करते हैं, भूमि में दबा के करते हैं, जला के करते हैं या जल प्रवाह करते हैं उसको, वो कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन जी साथ कुछ भी ले जाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए कहते भी हैं कि कफन में जेब नहीं होती, बिल्कुल इसलिए ये बात कही जाती है, पहले पूछी जाती है कि वहां कोई भी इच्छा तक भी आप नहीं ले जा सकते, सामान ले जाना तो दूर की बात है, इसलिए ये बात यही छोड़ के जाओ, ना पहली इच्छा ना अंतिम इच्छा कुछ नहीं साथ जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दुनिया ही और है, वहां से ना फिर चिट्ठी आती है ना संदेश, पता नहीं वो कौन सा देश जी। जगदीश परिहार जी कह रहे हैं जी थोड़े से समय का ये प्रोग्राम एक घंटे का और इसमें बहुत अपनापन लगता है जी, वाह साहब धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद। और इंद्राज मंगलाब जी का सवाल आ गया, बाबूलाल जांगड़ी जी राम राम कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी चौहान साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं जी दोनों महानुभावों को, केसरा राम जी गोस्वामी नमस्कार कह रहे हैं सूरावाड़ी से, संत कुमार बिश्नोई जी जय सिया राम कह रहे हैं जी, आप सब मित्रों को यथा योग्य हमारी तरफ से नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, कृष्ण नेहरा जी भी नमस्कार कह रहे हैं और शिषपाल सुमन ढूंढाड़ा इन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया, प्रेम चंदोरा जी और दिनेश सुतार जी सब सवाल पूछ रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, बलकार धनजू जी ने भी एक सवाल और पूछ लिया है, बनवारी सारण जी का एलनाबाद से सवाल है जी आपकी दाढ़ी रूप सिंह जी की दाढ़ी से बड़ी क्यों है? बनवारी जी इसका सीधा सा कारण है क्योंकि रूप सिंह जी राजपुरी उम्र में मेरे से बड़े हैं, कद में थोड़े से छोटे हैं,
तो मेरे को डांटते रहते थे, कुछ बड़ा करके दिखा, कुछ बड़ा करके दिखा, हमने बड़ा करके दिखा दिया। हाँ धन्यवाद। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का पंजाबी में एक सवाल आ गया, बिल्कुल नोट हो गया जी, मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है आपका सवाल। हंसराज सारसर जी जय भीम कह रहे हैं जी, जय भीम आपको भी। और एक सवाल काफी देर से छगन जोशी जी का जो है ना वो घूम रहा है, और बाकी लोग भी उसको आगे 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 फॉरवर्ड कर रहे हैं जी। बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है और उसको समय आने दो। और ओम प्रकाश चौहान चौधरी साहब, ओम माफ करना, ओम प्रकाश चौधरी जी, आपका सवाल भी हमें उसी से मिलता जुलता और वही है लगभग, और समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा। विक्रम शर्मा जी हमें देख रहे हैं, बिट्टू बिट्टू जी की गुड नाइट कह रहे हैं। और कमलेश कुमार जी आपका सवाल आ गया, तेजाराम जी पारिक साहब का सवाल आ गया, राम राम भी आपने भेजी हमें स्वीकार। और जगदीश भाटी जी शुभ संध्या कह करके कह रहे हैं कि ये म्यूजिक कौन बजा रहा है, ये तो जोगा सिंह जी बजा रहे हैं जी, ये कोई लुकों की छुपा की बात नहीं है जी, बिल्कुल ये हमारा अपना कोई अंडरस्टैंडिंग है जी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं जोगा सिंह जी इस यंत्र को, गिटार गिटार। अच्छा ये आपके सवाल और जवाब के बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए चेंज ओवर म्यूजिक कहते हैं इसको, हाँ ताकि बिल्कुल जी, जैसे आपने सवाल पढ़ दिया बजा दी, ताकि हाँ जो जिसने सवाल सुना है वो उत्तर लेने के लिए तैयार हो जाए। मेरा उत्तर खत्म हो गया फिर बजा देता हूँ, आपको पता लग बिल्कुल जाता है बिल्कुल, उत्तर खत्म हो गया, अगला सवाल पढ़ना है। हाँ कुलदीप सोमना जी की दाढ़ी वाला उत्तर अच्छा लगा, और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी को भी ये सवाल अच्छा लगा, और इन्होंने पंजाबी में जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल नोट हो गया, और बड़ा अच्छा सवाल है, सभी आने दो। जगदीश बहियार जी रेडियो वाली बात याद करते हैं, कृष्ण नेहरा जी इन्होंने भी एक सवाल पूछा है, इसका भी समय आने पर उत्तर दे दिया जाएगा। शीतल दुड़िया जी हनुमानगढ़ से पूछते हैं, मुझका सवाल होता है कान का क्यों नहीं होता। भाई मूंछ का सवाल है वो अलग प्रकार का है। और आपने पूछा है कि कान का सवाल क्यों नहीं, तो कान का सवाल जो है ना वो लगभग स्कूल टाइम में ही खत्म हो चुका होता है। अब गुरुजी सामने बैठे हैं मेरे, ये तो जानते हैं, जब उस सवाल का जवाब नहीं आता था तो ये पकड़ते थे, हाँ भाई बोल भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जी पता नहीं बोल, हाँ जी हाँ जी फलाने हैं जी, क्यों नहीं बोलते भाई। हाँ बिल्कुल कान का सवाल भी होता है। जी, कृष्ण नेहरा जी आपने मुझे ज्योतिषी समझ लिया, और मेरे से कोई आगे का सवाल पूछ लिया, भविष्य का सवाल पूछ लिया, तो मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, सवाल आपका चटपटा है, जोगा सिंह जी ही उसका उत्तर बाद में देंगे। प्रेम चंदोरा जी इनका भी सवाल आ गया है, जी सहदेव पारिक, डॉक्टर सहदेव पारिक जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम कह रहे हैं जी, धन्यवाद जी, ये एक नई विधा है मनोरंजन की, एक नई विधा है जोगा सिंह जी ने इजाद की है, और इस विधा में हम सब लोग बड़ा आनंद मानते हैं, बड़ा आनंद महसूस करते हैं। आदराम जी नायक श्री गंगानगर से, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या वहां भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनाब ये आपने क्या सवाल पूछ लिया, आपको सारी व्यवस्था करने के लिए तो भेजा था है? आपको हाँ तो रिपोर्ट पेश करने के लिए थोड़े भेजा था कि भी वहां क्या व्यवस्था है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, उसका पता आपको व्यवस्था करने के लिए भेजा था, वापस जाओ और पूरी व्यवस्था करके आओ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शीतल लुढ़िया जी कह रहे हैं जी, जो आपने जवाब दिया ना मेरा सवाल का दुरुस्त हुआ सर, बस अथवा आपने रसीद दे दी। नरेश धन्यवाद। लोधिया जी नमस्कार कह रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, सबका स्वागत है जी कार्यक्रम। पीयूष वरदान जी जोशी बिरकाली से, बिरकाली तहसील में पड़ता है, मैं अब तक महत्वाकांक्षा पर मोहित तो होने वालों की क्या दुर्दशा होती है। एक शब्द आप सुधार लीजिए, दुर्दशा नहीं अच्छी दशा होती है, दिखाई अच्छा देती है कि दुर्दशा हो रही है। अब सबसे हाँ बढ़िया एग्जाम्पल ले लो आप रॉकेट का, पीछे कितने रॉकेट लगाए होते हैं, उनको आग लगा करके छोड़ देते हैं,
लेकिन वो पीछे जितने भी रॉकेट हैं वो एक एक करके जलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जो उसके अंदर सैटेलाइट फिट किया हुआ है वो चांद तक पहुंचा के ही रहता है। तो इसको बुरा मत मानिए। जब इतना जलने मरने पर आ जाता है ना आदमी, बहुत ऊंचाई पर जाता है, बहुत ऊंचाई पर जाता है। धन्यवाद। नाराचंद नायक साहब, आपका सवाल नोट हो गया। कृष्ण गरबा जी नमस्ते जी, जी अजय जाखड़ जी, राम राम साहब, कमलेश कुमार जी, चौखो कार्यक्रम है जी, धन्यवाद साहब, विनोद कुमार बारूपाल, इनका सवाल आ गया है, नोट हो गया है। धनराज लोहिया साहब ने सवाल पूछ लिया है, जवाब जरूर मिलेगा जी। आप लगातार हमारे कार्यक्रम देखा करें धनराज लोहिया जी, हम हर एक सवाल का, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जरूर उसका उत्तर देते हैं। जगदीश परिहार जी कह रहे हैं जी, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद क्यों कर लेता है? ऐसा है जी, वो बेचारा इसलिए आंखें बंद कर लेता है ताकि बिल्ली डर ना जाए, वो आराम से अपना भोजन कर ले, क्योंकि आंखें खोलने से वो बचने वाला तो नहीं है। उम्मेदाराम जी गोदारा होडू बाड़मेर से सवाल पूछते हैं कि माचिस वगैरह से, तीली वगैरह से आग लगाने वाले, आग लगा जाते हैं तो उसको तो बुझाया जा सकता है जी, रेत से पानी से बुझा देते हैं। एक दूसरे को लड़वाने के लिए, एक दूसरे समुदाय को लड़वाने के लिए जो आग लगाते हैं जी, वो उसको कैसे बुझाया जाए जी? इस आग को बुझाने के लिए जरूरी है कि हम सब इस बात को समझ लें और एक तो करके बैठ जाएं कि किसी की ऊल जलूल बातों में नहीं आएंगे, जो हमारे बीच आग लगा करके भाग जाते हैं और हमें सिर फुटबॉल का सामना करना पड़ता है। इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। भंवर मेहरडा जी राम राम कह रहे हैं, इंजीनियर भजन चारण जी कह रहे हैं, रूप सिंह जी कुल्लड़ियो मिलियो या कौन ही मिलियो जवाब बागड़ी में देना, ये कुल्लड़ी तो फिर भी ना फूट क्यों ना जी, तो अब मिलेगा जी। प्रेम चंदोरा जी सवाल आ गया है आपका, और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक और सवाल आ गया है, सब सवाल नोट हो रहे हैं। शीतल लुड़िया हनुमानगढ़ से पूछते हैं कि मूड खराब है, इसका क्या मतलब है सर जी? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे इन दिनों बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, पत्नी का मूड खराब हो तो उनको कहीं पहाड़ी एरिया में घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि थोड़ा ठंडक हो, आनंद आए, हरियाली में जाएं, है कि नहीं? उसी तरीके से जो मूड शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, तो मूड खराब होने का मतलब ये है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको विलायत घुमा के लाओ उनको, तब जाकर के उसका वो सही होगा हिसाब किताब। जगदीश परिहार जी कहते हैं जी, क्या हाजिर जवाबी है जी, बहुत खूब। अवेजम रावत गर्ग उंडू, ये उंडू जगह का नाम है, और ये कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति करना है आप दोनों का, और आपको नमस्कार है जी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लाल चंद कालवाजी जय भीम कह रहे हैं, नरेश भूरी राम राम कह रहे हैं। राम राम। उम्मेदाराम जी का सवाल है, मेहताराम जी गोदारा जी, आप शिक्षक हैं और अक्सर हमारे प्रोग्रामों में बहुत बढ़िया सवाल लिखते हैं, जैसे शिक्षक की गरिमा होती है उसके अनुकूल लिखते हैं कि यदि जोड़ी सलामत रही तो कहा जाता है तेरी रब ने बना दी जोड़ी, और अगर जोड़ी टूट गई तो उसका श्रेय किसको दे? देखिए जी, ये बहुत ही सीधा सा और सरल सा जवाब है। और जवाब ये है कि अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया, गड़बड़ हो गया तो तूने किया। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और खुदा ना खास्ता किसी ने लव मैरिज कर ली हो। तो बिचौला इसीलिए तो रखते हैं ना शादी में, गालियां खाने के लिए है, तो घरवाली भी गाली देती है कि बिचौले ने तेरा तो कख ना रहे, घरवाला भी गाली देता बिचौले तेरा कख ना रहे की जोड़ी मिलाई है। और अगर मान लीजिए किसी ने लव मैरिज कर ली, उसमें तो कोई बिचौला नहीं होता ना,
फिर किसको शिकायत करें दोनों? फिर कहेंगे ओ रब्बा एक ही करता। यानी कहने का भाव ये है कि हम अपने गले में कुछ नहीं रखना चाहते, दूसरे के गले में डाल देते हैं और मुक्त अपने आप को समझते हैं। बच्चे बिगड़ गए तो फोन ने बिगाड़ दिए, और फोन बिगड़ गया तो बच्चों ने बिगाड़ दिया। ये दोषारोपण तो रहता ही है। बिल्कुल। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भेजे और पंजाबी में लिख करके भेजे। ये सवाल भी आपको बहुत बढ़िया नोट कर लिया गया है। मेरे को पंजाबी सिखा के मानेंगे। जी 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 हमें आती है जी। परमिंदर सिंह संधु जी नमस्ते कह रहे हैं, राजेंद्र पूनिया जी राम राम कह रहे हैं। सबरीत शर्मा जी ने मेरी कविता को आधार बना करके सवाल पूछ लिया जी। जरूर इस चटपटे अटपटे सवाल का चटपटा उत्तर मिलेगा। शीतल दुड़िया जी नमस्ते कह रहे हैं और अगला सवाल पूछा है जी। और धनराज लोहिया जी बोला कि हमारे बहुत ही दिल के करीब, इन्होंने भी एक सवाल पूछा है। सुखपाल बॉक्सर जी, सुखपाल सिंह गंदीवाल गांव मोहतन सिखान तहसील संगरिया पंजाब में शिक्षक, और ये भी कह रहे हैं गुड इवनिंग जी। तो आपको भी हमारे छोटे भाई, जब छुट्टियां खत्म होगी तब आपसे मिलना होगा जी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी होगी जी। ये तो सहज और सरल, आजकल इन्होंने सहज कार्यक्रम भी शुरू कर दिया ना जी, सहज चर्चा, इनके उत्तर तो सहज ही निकलते हैं जी जी। उनका अपने आप फ्लो बनता है जी जी। और वो एक सवाल जो छगन जोशी जी ने छोड़ दिया ना जी, वो फिर अब नए रूप लेकर के घूम रहा है जी, सबके उत्तर मिलेंगे जी। धर्मपाल अठवाल साहब दनिया सर, ताराचंद जी दनिया सर वाले जो हैं, अटपटो सवाल इतने लिख के इन्होंने छोड़ दिया। सुखपाल बॉक्सर जी कह रहे हैं जरूर जी जरूर मिलेंगे। तो इन्हीं का है जी, उम्मीदा राम जी का अगला सवाल है। जब लोग एक दूसरे से बहस करते हैं और बहस करते करते शिखर तक पहुंच जाते हैं, तब ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा? अच्छा, इन्होंने बहस झगड़े को मान लिया, मैं तुझे देख लूंगा, जबकि सामने वाले को बाद में देखने को क्यों कहा जाता है जबकि वो उस समय सामने ही होता है? सवाल बहुत बढ़िया आपका, बारीकी से पूछा पूरा वृतांत बता करके। नीति का सवाल है, व्यवहार कुशलता का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये जो सामने खड़े होते हुए को भी ये कहना कि मैं तुझे देख लूंगा, इसका मतलब है कि जो सामने खड़ा है बंदा वो अकेला नहीं है, इसके पीछे भी कोई होंगे यार दोस्त, उनकी तरफ इशारा है कि मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। अभी कितने का तेरे साथ आगे पीछे ले आ, मैं भी ले आऊंगा, तू भी तेरे बाद ले आ, ये मतलब था इशारा। वो कहता है कि जी मोटा आदमी जो होता है ना जी, उसको गुस्सा नहीं आता, कहते हैं कि उसको गुस्सा नहीं आता मोटे आदमी नहीं। लोग बोले जी आता तो है पर वो किसी पर गुस्सा उतार के फिर भाग नहीं सकता ना, इसलिए बेचारा गुस्सा करता ही नहीं। हाँ जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और। विकास मटोरिया हमें देख रहे हैं, जगदीश परिहार जी, आर्टिस्ट मनदीप सिंह हमें देख रहे हैं। आज ही मैं गया था मनदीप सिंह की आर्ट एग्जीबिशन रावसर में लगी थी, 3-4 दिन से 13 तारीख से लगी थी। इनके चित्रों की प्रदर्शनी इन्होंने लगाई थी आर्टिस्ट मनदीप सिंह ने। आप केंद्रीय विद्यालय अबोर में पढ़ाते हैं चित्रकला और हमारे शिष्य हैं, मुझे बड़ा मान है इन पर। और आज समापन था इनकी उस प्रदर्शनी का, तब मैं गया था और जिस दिन शुरुआत हुई थी मैं उस दिन भी गया। और सुखपाल बॉक्सर जी ने बहन जी की जो पंजाबी की बात आई थी सवाल के रूप में, उसमें उन्होंने अपने को भी शामिल मान लिया जी। लालगिरी गोस्वामी जी रघुनाथपुरा से नमस्कार कह रहे हैं। और ओम बारी जी का एक सवाल आ गया, मांगीलाल देड़ू जी अब आए हैं, मांगीलाल देड़ू जी क्योंकि ये दुकानदार आदमी है ना जी, तो समय कम मिलता है, प्रोग्राम के लास्ट में मिले हैं आज। आर्टिस्ट मनदीप सिंह कोई बात नहीं, आप ज्यादा लेट नहीं हुए। लखविंदर सागर जी, मैं इनको लखविंदर सागर ही कहा करता हूँ,
नमस्कार कह रहे हैं, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं आप, गंगानगर में विराजते हैं। आपका जो स्टूडियो है, आपका जो दरअसल जो मेरा कुलड़िया फूटी को कविता जो है ना जी, वो लखविंदर जी की वजह से वो फैली है, क्योंकि उसकी शूटिंग इन्होंने की थी। अच्छा। और मैं इनका स्वागत करता हूँ। जुगल सिंह जी, इनका भी नमस्कार लिखा है इन्होंने, लेकिन वो थोड़ा स्पेलिंग में कमी रही। मोहम्मद अली, इनकी प्रोफाइल लॉक है, इसलिए प्रोफाइल से पता नहीं लगता कि कहाँ के हैं, प्रोफाइल खुलती नहीं इनकी। सूरज रात में क्यों नहीं उगता? श्रीमान जी, रात में अगर बोया होगा तो रात को उगेगा ना। आपने रात को बोया ही नहीं और आप इंतजार लिए बैठे हैं कि रात को उग जाएगा। सऊदी अरब से एसके इंडिया और उमेदनाथ पार्षद है नगर पालिका में, रावतसर में, नमस्कार कह रहे हैं, अगर यही है तो। और बानी राम जी गोदारा राजिया सर से नमस्कार कह रहे हैं। और बहन जी नगेंद्र कौर जी का सवाल जो है ना वो दोहराया गया है, दोबारा फिर आ गया है। एम एस जंगू बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। अभी हमारा कार्यक्रम समापन के नजदीक ही है, अभी समाप्त हुआ नहीं। धर्मपाल सारस्वत जोधपुर कह रहे हैं कि सर तीजा बल्द ताली कैसे फोड़ता है? ताली कहते हैं उसको हमारे यहाँ, बोलते हैं खड़ा कैसे फोड़ता है, कल्याण जिसको बोलते हैं खड़ा, तीजा बल्द तीसरा बल्द, दो तो होते हैं जो साथ जुड़े होते हैं, इधर हो गया उसको कहते हैं। तो इसका कारण सीधा सा है कि अगर तो उसको जोत के रखेंगे तो फिर तो वो कहीं इधर उधर हलचल कर नहीं सकता ना। जो बिल्ला है ना वो ही ऐसे खेले करता है, ये इसका जवाब है, चाहे वो बर्द हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने एसके इंडिया के सवाल को बढ़िया सवाल बताया, बेस्ट सवाल बताया है, जरूर जी इसका उत्तर दिया जाएगा। और बालकृष्ण धरेजा जी पत्रकार पंजाब केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से, हमारे बहुत साल पुराने मित्र। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मेरी भी हाजिरी कबूल करो जी, स्वागत है जी आपका, आदरणीय जोगे सिंह जी और रूप सिंह जी राजपुरी को मेरा नमस्कार जी, हमारा नमस्कार आपको भी पहुंचे जी। और कार्यक्रम में आपकी हाजिरी बिल्कुल सही समय लगी है जी। एम एस जांगू बिश्नोई जी ने राम राम लिखा। गीता राघव जी जुड़ गए हैं जयपुर से जी। बहन जी स्वागत है आपका, प्रिंसिपल रहे हैं हमारे रावसर में, और इनका कार्यकाल छोटा था लेकिन यादगारी कार्यकाल रहा इनका, और बहन जी का हमारे पर बड़ा स्नेह रहा। सोनू जिनागल जी प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं। महेंद्र कुमार मेघवाल राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। और इंदराज मंगलाव जी इनका सवाल आ गया। विजय सिंह बैणीवाल साहब संगरिया से राम राम और सत श्रीकाल लिखते हैं हम दोनों को, और विजय सिंह बेनीवाल साहब आपको भी हमारा नमस्कार। आपका चैनल संगरिया में चलता है जी, संगरिया की आवाज, और बड़ी अच्छी अच्छी खोजी पत्रकारिता आप करते हैं, स्वागत है आपका। सुखपाल बक्सर जी जो आपने बात पूछ रही थी आपने लिख दी है और हम उसका जरूर जरूर उत्तर देंगे जी। एल सी भाटी इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। एलसी भाटी अध्यापक 22 आरबी मंगीलाल देड़ू आपका सवाल आ गया है। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी बुरी वाली कविता को याद कर लिया, वो कविता मेरा पीछा नहीं छोड़ती है जी, मैंने उसको बोलना अब छोड़ दिया है। और विनोद कुमार बारूपाल जी ये भी सवाल पूछते हैं और हमें नमस्कार कह रहे हैं। हंसराज बाजिया साहब हमारे साथ जुड़े कानसर से, राम राम जी आपको भी, धर्मपाल शाक्य जी और रामू बारूपाल जी नमस्ते कह रहे हैं। अगला सवाल मैं ले लूं। डॉक्टर सहदेव जी पारिक, इश्क आखिरी है तू तो शुरुआत कहां से मानी जाए? इश्क आखिरी है तू तो शुरुआत कहां से मानी जाए? हाँ, आखिरी
और शुरुआत का पॉइंट एक ही है डॉक्टर साहेब, उसी पॉइंट पे शुरू और उसी पॉइंट पर खत्म। दीदी एक सवाल आया है, इसको लिखने वाले ने नाम नहीं लिखा, गाय व भैंस दोनों का काम चरना, गाय को हम माँ कहते हैं, भैंस को मौसी भी नहीं कहते, और लोग गाय को बेसहारा छोड़ देते हैं, भैंस चाहे दूध नहीं भी देती है तो भी उसको घर में बांध के रखते हैं। हाँ लिखा है जी इंद्राज मंगलाव, नीचे लिख दिया जिन्होंने, इंद्राज जी मंगलाव साहब अनूपगढ़ से, वैसा नाम ऊपर लिखा करो जी, पहले नाम लिखा करें, माफ करना। सवाल दोबारा दोहरा दूं, अनूपगढ़ से इंद्राज मंगलाव जी, गाय भैंस दोनों दूध भी देती हैं, दोनों एक साथ चारा चरती हैं, तो गाय को तो हम माता कहते हैं लेकिन फिर भी जब दूध देना बंद कर देती है छोड़ देते हैं, भैंस दूध देना बंद कर देती है तो भी ना तो उसको हम मासी कहते हैं और ना घर से निकालते हैं, उसको बांध के रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, आजकल जैसे कि ये बड़ा सीरियस सवाल है, मनोरंजन वाला जवाब नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात चली आ रही है कि एक माँ बाप अपने 8-10 बच्चों को पाल सकता है लेकिन 8-10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। बहुत ही सीरियस जवाब है इसका, इसको में ना लीजिए, और खासकर सबसे पहले अगर बाहर छोड़ने की जरूरत पड़ती है तो माँ को छोड़ते हैं, है कि नहीं? इसीलिए तो वृद्ध आश्रम बने हैं। तो गाय भैंसों को छोड़िए, पहले तो जो हमारे माता पिता हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद। राम सखी से कृष्ण सोलंकी जी नमस्कार कह रहे हैं, इंद्राज मंगलाव साहब अब इमोजी के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इनको उत्तर अच्छा लगा अपने सवाल का। और लक्ष्मी नारायण जी गोंडा से बोल रहे हैं, शायद वहां से लिख रहे हैं, हंसराज बाजिया जी कांसर से सवाल इन्होंने पूछ लिया है, सवाल नोट हो चुके हैं जी। अगला सवाल है जी विनोद गोस्वामी का पल्लू से, जोगा सिंह जी मेरा एक अटपटा सा सवाल है, कृपया नोट करें और उसका चटपटा सा जवाब दें। सवाल यह है कि कमेड़ी और कौवे में हमेशा लड़ाई रहती है, कौवे में, और जब भी देखो कौवा हमेशा कमेड़ी के पीछे भागता है, क्यों? वैसे तो क्या है कि उसके अंडे खाने के लिए भागता है, ये तो आंखों देखी बातें हैं, और फिर कमेड़ी और कौए की दौड़ लगती है, और दौड़ लगती है तो फिर जो कौए की घरवाली है वो भी देखती रहती है कि ये इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लांछन ना लगा दे, इसलिए वो ये भी नाटक करता है बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। एल सी भाटी साहब कह रहे हैं जी अनुभव से भरे हुए आपके जवाब है जी, प्रेरणादायी है जी, शानदार है जी, धन्यवाद जी भाटी जी। रमेश जी मेघवाल जर्नलिस्ट पत्रकार, दोनों महारथियों को दिल की गहराई से नमस्ते, हंसते मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, आपकी आशीष हमें काम देगी जी, आपने हमारे लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है जी, धन्यवाद। कृष्ण नेहरा जी सूत्रगढ़ से पूछते हैं, चटपटे जवाब, गुरुवार को ही क्यों? आपने रखा ये? जी हाँ बिल्कुल उसी के जवाब दे रहा हूँ, गुरु गुरु होता है, अब 7 दिन है, 7 दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? गुरुवार है कि नहीं? जो हमारे सौर मंडल के अंदर ग्रह हैं, जैसे धरती है, मंगल है, बृहस्पति ग्रह भी है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन है? गुरु। तो हमने इसलिए इसको गुरुवार को ही रखा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सवाल आएंगे अगर इसका, है कि नहीं? हमें ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती सवाल जवाब ढूंढने में। धन्यवाद। मुश्ताक खान जी नमस्ते कह रहे हैं, धर्मपाल जांगड़ा जी जब आपको देखते हैं ना जी तो 90 के दशक में चले जाते हैं जी, वो जमाना याद आता है जी,
सुखपाल बॉक्सर जी कह रहे हैं कि आपका जो जवाब है ना जी वो प्रेरणादायक है, धन्यवाद जी। लक्ष्मी नारायण खोडा से राम राम कह रहे हैं जी। दौलत राम सुडा जी नमस्ते कह रहे हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं पंजाब से जी। और जसवंत मटोरिया, जसवंत मटोरिया ये आपसे शिकायत रहेगी कि आप जब प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होना होता है तब देखने शुरू करते हैं, थोड़ा समय पहले निकाला करें, 8 बजे का हमारा समय है, लेकिन फिर भी चलो आपकी हाजिरी लगी, सवाल भेजा करें और सारा परिवार देखा करो मिल करके। ओम पारिक जी का सवाल आया है कि इतनी तपत लू गर्मी में अटपटे सवाल कैसे बनेंगे। बड़े भाई समस्या तो आपकी बहुत विकट समस्या है कि इतनी भयंकर गर्मी लू में अटपटे सवाल कैसे बनेंगे। और इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब तक खूब नीचे आग ना जले, भट्टी ना भभके, तेल ना उबले, उसमें फिर कचौरी पकोड़े वगैरह कैसे तलेंगे, आनंद कैसे लेंगे। टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल विजय गिरी जी राम राम कह रहे हैं जी। सुखपाल बॉक्सर जी कह रहे हैं जी पंजाबी में लिख करके कि दोवें ही गुणवान बुलारे हैं, दोवां दी जोड़ी रब सलामत रखे जी, दुआ आपकी जी। रंजीत कुमार भी दोनों हस्तियों को सादर नमस्कार लिख करके हमारी बधाई कर रहे हैं। जसवंत मटोरिया नमस्कार गुरु जी कह रहे हैं जी, स्वागत है आपका जसवंत मटोरिया। कृष्ण मौलिया दासू वाली से नमस्कार कह रहे हैं। मदन जनागल बाटी वाला से, बाटी वाला से सादर नमस्कार गुरुजनों को। राकेश कुमार भी नमस्कार कह रहे हैं जी। बस अब आखिरी सवाल है जी, ओम पारिक जी का है कि कालो अक्षर भैंस बराबर हुए तो दोड़ो अक्षर के गाय बराबर हुए। काला अक्षर भैंस बराबर, आपने ये पूछा है कि धोला अक्षर गाय बराबर होता है क्या? ना जी ना, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता गाय बराबर। अब ये पूछेंगे जी क्यों, अगली बार पूछेंगे या अभी जवाब दे दूं? क्यों गुरुदेव? दे दूं अभी, क्योंकि अभी अभी हाँ, गाय काली भी होती है, सफेद भी होती है, चितकबरी भी होती है, कई रंगों की होती है, इसलिए करनी वर्मा जी का नमस्कार आया हमारे तक जी। कृष्ण मौलिया दास वाला कह रहे हैं गुरु जी योग दिवस के लिए हेडक्वार्टर पर जाना होगा क्या? ये विभागीय आदेश अगर आपके पास उस प्रकार के हैं तो जी उनको फॉलो करना ही होता है जी। और वैसे भी अब बच्चों से और से मिला जाएगा, अपने साथियों से मिला जाएगा, जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। और इंदिराज मंगलाव जी का सवाल आ गया है, नोट हो गया है। गुरदीप सोना जी अभी तक हमारे साथ हैं, गुड नाइट कह रहे हैं और हम भी आप सबको गुड नाइट ही कहेंगे जी। आज मैं देख रहा हूँ पूरा आधा घंटा और ऊपर हो गया, क्योंकि 15 मिनट हमारे पहले खराब हो गए थे, उसमें किसी का बस चलता नहीं है जी। मैं यहाँ बैठा बिल्कुल बहुत ही परेशान हो उठता हूँ जब जुड़ता नहीं आपसे। मैं भी चाहता हूँ आपके दर्शन बड़ी जल्दी दें करें, और ताकि आपसे मिलना हो और जो साधन की जो तांग होती है जी, जो मिलने की जो उत्कंठा होती है उसको अपने शांत करें। योगराज किलानिया जी हमारे साथ हैं, इनका सवाल आ गया। धर्मपाल जांगड़ा जी का एक और सवाल आ गया है, तो रुकमण सिंह राठौड़ कौनपाल जी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। तो सभी मित्रों से हम अब क्षमा चाहेंगे, हमारा प्रोग्राम अब क्योंकि काफी देर हो गई है, आप सब लोग एक आधा घंटा हमारे साथ ज्यादा समय तक जुड़े रहे उसमें विवशी होगी थी, नेट की व्यवस्था कई बार ऐसे भंग हो जाती है, जबकि हम दोनों ने वाईफाई लगवा रखी है, आप लोगों के लिए भी कहीं नेट का व्यवधान ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घोड़ी लात मार जाती है और बड़ी समस्या होती है इससे जी। संतराम देव जी हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं और राकेश कुमार जी ने लास्ट में जाते जाते सवाल पूछिए। तो अभी हम नमस्कार चाहेंगे सबको, क्षमा चाहेंगे, अगर किसी प्रकार की कमी रही तो वो हमारी कमी है। शीतल धूड़िया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबको प्रणाम करते हुए प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।
नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।